Hello, Namaskar and good evening. Welcome to NCRT's live interactive session. And viewers, you are all watching us on PME Vidya channel number 9. You can also connect with us through different mediums. The first one is PME Vidya channel number 9 and the second one is our YouTube channel that you know. It is NCRT official. So regularly we bring up certain sessions for you so that you can develop and enhance your understanding about diverse fields and diverse topics. So for another half an hour, we have a session of science for class 9th students. Well, this topic is not new to our students because it's the part 3rd of our today's session, why do we fall ill? यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसका भाग 3 हम पढ़ेंगे. इसका मतलब ये है कि इससे पहले भी दो ऐसे sessions हैं इसी topic पर that have been conducted by CIT NCRT. तो यदि आपने वो session नहीं देखे तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है. All our sessions and their links are available on NCRT official, that is our YouTube channel, and also on our website, that is www.cit.nic.in. So, but what do we have for today's session where we are going to conclude this particular topic? Providing us more guidance in the session, we are joined by an expert. So let me allow you to introduce the expert. We have with us Mr. Sushil Kumar. Namaskar, sir. Yes, ma'am. Good afternoon. Namaskar. Good afternoon, sir. Welcome to the session. Sir is PGT Biology, serving at Kendriya Vidyalaya Aliganj, has joined in from Lucknow, Uttar Pradesh. So you know the different mediums through which you can connect with us, the comment box of NCRT official. Besides, here is the contact number that is flashing on your screens. It is 8800440559 and also a specific mail ID for class 9 students. It is dth.class9@cit.nic.in. तो सर, जो हमारा आज का टॉपिक है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, मुझे लगता है कि बच्चे इसके बारे में समझ चुके होंगे क्योंकि ये भाग 3 है, यानी तीसरी बार हम इसी टॉपिक पर एक सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये वो कंटिन्यूटी है. तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्रीफली आप हमारे सभी दर्शकों को बता दीजिए कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा और फिर रुक करेंगे आज के अपने सत्र की तरफ. जी सिमरन जी, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले टाइम पर जाना कि हेल्थ कितनी हमारे आपके लिए आवश्यक है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे बड़े बूढ़े बचपन से हमें और आपको बताते रहे कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात एक स्वस्थ अगर हमारा तन होगा तो उसमें स्वस्थ मन होगा और उसी आधार पे हम काम भी कर पाएंगे. अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखें तो वो अगर फिजिकली, सोशली, मेंटली अगर वो हेल्दी है तो हम उसे हेल्दी इंडिविजुअल कहते हैं और वो कंडीशन हेल्थ कहलाती है. अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हो सकती है जिसकी वजह से शरीर में कुछ परेशानी हो, तो उस कंडीशन को हम डिजीज कहते हैं. कुछ प्रकार की कंडीशन में ये देखा गया है कि कुछ पैथोजन होते हैं जो रोग फैलाने वाले कारक होते हैं, वो व्यक्ति को इन्फेक्ट करते हैं और इस प्रकार से वो व्यक्ति डिजीज कंडीशन में जाता है. हमने बच्चों आपको बताया था कि दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, एक वो होती हैं जो कम समय तक के लिए रहती हैं और ज्यादा हमें और आपको परेशानी नहीं करती हैं, वो एक्यूट डिजीजेज कहलाती हैं, और दूसरी वो होती हैं जो महीनों और सालों तक हमें और आपको परेशान करती हैं, हमारे शरीर में बनी रहती हैं, उन्हें हम क्रोनिक डिजीज कहते हैं. दो प्रकार से और हमने आपको बताया था, एक प्रकार की वो बीमारियां बच्चों जो बहुत तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी ढंग से, जैसे कि अगर उस व्यक्ति का आपने अगर उसका टॉवल उपयोग कर लिया या उसने आपके सामने छींक दिया या उसका आपने रूमाल उपयोग कर लिया या उसका जूठा खाना या पानी पी ले लिया, तो ऐसी बीमारियां बड़ी तेजी से फैलती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो वो बीमारियां इन्फेक्शियस डिजीज कहलाती हैं. दूसरी बीमारियां वो होती हैं जो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इतनी तेजी के साथ नहीं फैलती हैं, अर्थात उस व्यक्ति के साथ अगर हम उसके साथ रहते हैं, केयर करते हैं, तो हमें और आपको वो बीमारियां नहीं होती हैं. बच्चों, बीमारियों से बचने के लिए तमाम प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मुहिम चलाती हैं, उसमें अवेयरनेस करती हैं. इसके अलावा हमें और आपको एक बहुत ही अच्छी विज्ञान की एक खोज है जिसे हम वैक्सीन कहते हैं, वो भी हम और आप लोग लेते हैं और उसके आधार पर हम कई सारी बीमारियों से बचते हैं. याद करिए बच्चों, आपने बचपन से लेके अभी तक कई सारी वैक्सीन ली होंगी जिनकी वजह से हम डिप्थीरिया, पर्टुआसिस और टिटनेस, अर्थात
तीन प्रकार की जो बीमारियां होती हैं इनसे बचने में डीपीटी वैक्सीन हमें आपको बचाव में मदद करती है, हमारे शरीर को इस प्रकार से तैयार करती है जिससे कि ये पैथोजन हमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ बीसीजी वैक्सीन वो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट अर्थात टीबी के अगेंस्ट मुझे और आपको बचाती है। और ऐसे ही मम्स, मीजल्स, रुबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस और तो और वर्तमान दौर में हम और आप लोगों ने कोरोना जैसी महामारी पर अपनी जो लड़ाई जारी रखी और आज हम सफलतापूर्वक पूरी दुनिया के साथ लड़ रहे हैं और हमारी आपकी शिक्षा भी चल रही है, ये वैक्सीन के कारण ही संभव हो पा रहा है। तो ये वैक्सीन है जो हमें और आपको बीमारियों के प्रति मजबूत करती है, तैयार करती है, बचाने में मदद करती है। दूसरी तरफ हम कुछ दवाओं का भी उपयोग करते हैं, अगर बैक्टीरियल बीमारियां हैं तो हम एंटी बैक्टीरियल दवाएं लेते हैं और अगर कोई वायरस से रिलेटेड बीमारियां हैं तो हम एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर फंगल रिलेटेड अर्थात फफूंदी से फैलने वाली बीमारियां जिसे फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, उनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं उन्हें माइकोसिस कहते हैं, तो उसकी वजह से हमें और आपको तमाम परेशानी होती है और ऐसी स्थिति में हम एंटी फंगल दवाएं लेते हैं। तो कुल मिला के बच्चों आप समझ गए होंगे कि बहुत सारी दवाओं के आधार पर या फिर अच्छे तौर तरीकों से, जैसे आप सब लोग जानते हो कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो दिन हमें और आपको जीवन अच्छा जीने की एक कला सिखाता है। ये भारत की दुनिया को देन है, योग के द्वारा हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते और अनावश्यक बोझ बनने से हॉस्पिटलों पर बच सकते हैं। दूसरी तरफ 7 अप्रैल को पूरी दुनिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के बैनर तले एक मुहिम चलाती है, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाती है, एक दिन हम पूरा का पूरा सेलिब्रेट करते हैं, वो दिन कहलाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। यह 7 अप्रैल को बच्चों मनाया जाता है और इस दौरान हम और हमारे साथ जुड़े हुए अन्य संस्थान या हायर लर्निंग के संस्थान या जो भी पब्लिक अवेयरनेस के से जुड़े हुए एनजीओ और सरकारी एजेंसियां आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करती हैं कि आप कैसा भोजन करें, किस प्रकार की दिनचर्या करें जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहें। कुल मिला के बच्चों ये बातें हम लोगों ने पहले पढ़ ली हैं, अब हम जल्दी से आज आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, ये आप सॉल्व करिए और इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न सिमरन जी ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिजीज। बच्चों हमने आपको बताया था कि मुझे और आपको बीमारियां पैदा करने के लिए, कॉज करने के लिए या तो बैक्टीरिया हो सकते या वायरस हो सकते या फंजाई हो सकते या हेलमिंथ हो सकते या प्रोटोजोन हो सकते, ये सारे कहलाते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूछा गया है कि वायरल डिजीज कौन सी नहीं है। जैसे एक फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू, दूसरा है एड्स, तीसरा है टाइफाइड और चौथा है इन्फ्लुएंजा। तो सिमरन मैम कोई गैस लगे चलेगा? बिल्कुल सर, मुझे इसका जवाब आता है। ये है ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड। टाइफाइड, वेरी गुड। देखते हैं आपका बिल्कुल आंसर सही है कि नहीं, जरा आंसर यस मैम। तो आपका आंसर बिल्कुल पूरी तरह सही है, तो ये आंसर टाइफाइड है बच्चों। और टाइफाइड बीमारी जो होती है ये बैक्टीरियम के द्वारा होती है जिसे हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। जैसे आपने देखा कि डेंगू जो बीमारी होती है वो एक वायरस से द्वारा होने वाली बीमारी है, दूसरी एड्स जो बीमारी देखी थी वो भी एक वायरल डिजीज है, HIV वायरस से होती है। तो आपने देखा कि जो टाइफाइड जो बीमारी है ये एक बैक्टीरिया से होती है जिसे हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स और इन्फ्लुएंजा। तो अगर हम एक एक करके बात करें तो कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये विब्रियो कॉलराई एक बैक्टीरिया के द्वारा होती। ट्यूबरकुलोसिस ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होती है। और एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो देखिए 3 ऑप्शन जब बैक्टीरिया के हैं तो नेचुरली सिमरन जी चौथा ऑप्शन इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज हो गई। और मुझे और आपको बहुत सारी परेशानियां होती रहती हैं इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड।
आपने देखा होगा कभी कभी सर्दियों में इन्फ्लुएंजा या बरसात के समय हमें आपको परेशान करता है, एक प्रकार से कॉमन कोल्ड की सिचुएशन हो जाती है। ये वायरस बड़ा देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, और यही इसी परिवार का वायरस वर्तमान दौर में जिसे हम न्यू कोविड 19 कहते हैं या नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं, ये हमें और आपको परेशान कर रहा है। तो इस परिवार के अलग अलग सदस्य कई सारी परेशानियां पैदा करने के लिए हमारे आपको शरीर को इन्फेक्ट करते रहती हैं। नेक्स्ट, तो चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो। तो देखिए आप जानते होंगे सारे बच्चे कि मॉस्किटो हमारे आपके लिए बड़ी परेशानी लाते हैं, बहुत सारी बीमारियों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाने का काम करते हैं, जैसे ट्रांसमिट करते हैं, इसलिए मॉस्किटो को हम वेक्टर कहते हैं। और आपने कई मॉस्किटो के नाम सुने होंगे, जैसे क्यूलेक्स मॉस्किटो, जैसे ही एनोफ्लीज मॉस्किटो, ऐसे ही एडीज मॉस्किटो। तो चलिए एक वन बाय वन देखा जाए। चिकनगुनिया एक प्रकार की वायरल डिजीज है, और ये जो टाइगर मॉस्किटो या एडीज मॉस्किटो होता है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाता है, तो ये मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है। मलेरिया एक प्रोटोजोअन के द्वारा होने वाली डिजीज है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, तो ये आंसर प्लाज्मोडियम वाला यही मलेरिया हुआ। लेकिन हम टाइफाइड पर भी चर्चा कर लें, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, और डेंगू एक ऐसी डिजीज है जो कि वायरल डिजीज है, और मॉस्किटो टाइगर मॉस्किटो से ये फैलती है। और टाइफाइड हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है वो अगर गंदे खाने से या इन्फेक्टेड स्टूल या ऐसा फीसेस है उससे आके और हमारे साफ खाने पर बैठती है, तो इससे टाइफाइड के बैक्टीरियम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो बच्चे इसका आंसर मलेरिया हुआ, और मलेरिया से बहुत सारी परेशानियां होती, बरसात के दिनों में विशेषकर मलेरिया भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश का पानी जब जगह जगह जमा होता है तो मॉस्किटो उसमें अंडे देते हैं, और अंडों से फिर उनके लार्वा, और इसके बाद फिर मॉस्किटो बनते हैं, और वो मॉस्किटो हमें आपको परेशानी का सबब बनते हैं। नेक्स्ट, तो बच्चे इसका आंसर मलेरिया वो सी हुआ, टाइफाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई मॉस्किटो। सो इसका जवाब हुआ टाइफाइड, यस। तो इसका जवाब टाइफाइड हुआ, बाकी तीनों बीमारियां किसी ना किसी एजेंट के द्वारा होती हैं, चाहे वो मॉस्किटो हो सकता है या हाउस फ्लाई हो सकता है। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है। एक बहुत ही क्लासिकल इसका एक स्टोरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देयर वाज ए लेडी नोन एज मैरी मेलोन। सो वो क्या करती थी, ये कहानी बहुत पुरानी है, लगभग 1869 से 1938 के आसपास की है। तो उस समय मैरी मेलोन घर घर में खाना बनाने जाती थी, बट उनकी अपनी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं थी, अर्थात उनके नाखून बड़े थे और वो हाथ साफ नहीं करती थी ज्यादा। तो जो उनके शरीर में इन्फेक्शन हुआ टाइफाइड बैक्टीरियम का, इसकी वजह से फिर ये देखा गया कि वो अपने जीवन काल में जिन जिन के घरों में गई उनके घरों में टाइफाइड फीवर से संबंधित जो बैक्टीरियम है उनको फैलाती नहीं, और इसलिए टाइफाइड मैरी एक बहुत स्टैंडर्ड केस है मेडिकल साइंस में। और मैरी मेलोन इज कंसिडर्ड एज ए एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, फर्स्ट एसिम्प्टोमेटिक कैरियर ऑफ द टाइफाइड। सो दिस इज द स्टोरी, एंड बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बच्चों हम और आप लोग 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे आपके हाथ की सफाई कितनी जरूरी है, कितनी आवश्यक है कि दूसरे को इन्फेक्शन से बचा सके, क्योंकि हम लोग अक्सर मिलते हैं एक दूसरे से तो हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिलाते हुए जाने अनजाने हम कई सारे पैथोजन को अपने गंदगी को दूसरे व्यक्ति को भी भेज सकते, इसलिए पूरी दुनिया में सैनिटाइज करने के लिए 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाते हैं। और ऐसे दिन से हम लोग न केवल टाइफाइड जैसी बीमारियों को हरा सकते हैं, कॉलरा को हरा सकते हैं, बल्कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और वर्तमान में कोरोना वायरस में तो हैंड वॉशिंग की कितनी बड़ी उपयोगिता थी ये आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग जानते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। तो इसमें से चार हैं, तो ये बात हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर ली है, क्योंकि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोअन के द्वारा होता है, और बाकी जो तीन बीमारियां हैं
यह कहीं ना कहीं से बैक्टीरियम से होती हैं। तो इसका आंसर हुआ प्लाज्मोडियम, दैट इज ए मलेरियल पैरासाइट कहते हैं इसको, और ये एक प्रकार का प्रोटोजोअन है। बाकी तीनों डिजीज बैक्टीरियम से होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट कॉजेज पेप्टिक अल्सर। तो अब पेप्टिक अल्सर में बच्चों आपने कभी सुना होगा, अल्सर मतलब होते हैं घाव हो जाना, और पेप्टिक मतलब होता है स्टोमक से रिलेटेड। तो जब किसी बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म में एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई अगर उनको इन्फेक्शन हो जाए किसी व्यक्ति को, तो उनके स्टोमक में इन्फेक्शन की वजह से फिर वहां पर बहुत सारे अल्सर अर्थात घाव जैसी स्थिति हो जाती है, उसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पुराने समय में ये माना जाता था कि लाइफस्टाइल और स्ट्रेस से ये बीमारी होती है, लेकिन नाउ ए डेज इट वाज प्रूव्ड दैट पेप्टिक अल्सर इज कंसर्न विद द इन्फेक्शन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई और इट इज ए बैक्टीरियम। कुछ केसेस में बच्चों ये देखा गया है कि हम लोग बिना डॉक्टरी सलाह के कुछ दवाएं ले लेते हैं, जैसे एस्प्रिन या इस प्रकार की दवाएं हैं, तो उससे भी अगर खाली पेट ले लिया तो उसकी वजह से भी पेट में घाव हो जाते हैं और इसकी वजह से भी अल्सर देखे गए हैं। ये जो पेप्टिक अल्सर को पहले लोग मानते थे कि ये लाइफ स्टाइल या एक प्रकार की स्ट्रेस से होने वाली बीमारी है, और दो वैज्ञानिक जिनका नाम ऑस्ट्रेलियन ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम जे मार्शल और जे रॉबिन वारेन थे, इन्होंने प्रूव किया कि पेप्टिक अल्सर के पीछे एक बैक्टीरियम है, और इसके लिए उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की। उन्होंने देखा, कई सारे प्रयोग किए, कई सारे सैंपल लिए पेशेंट के, तो अलग अलग पेशेंटों में जब मार्शल ने ये काम किया तो उन्होंने देखा कि एक प्रकार से जहां पर घाव होता है तो वहां पर ही ये बैक्टीरियम पाए जा रहे थे पेप्टिक अल्सर के केस में, स्टोमक में जो अल्सर होता था। इसके बाद मार्शल के साथ जब वारेन दोनों ने मिलके फिर इस पे काम किया और इस चीज को प्रूव किया कि जो ये बीमारी होती है पेप्टिक अल्सर की, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस, इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम नोन एज हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो ये देखिए विज्ञान की कितनी बड़ी खोज थी, और इसके लिए इनको 2005 में फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला। तो बच्चों आप भी ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि आगे चल के आपको भी नोबेल प्राइज मिल सकता है। ये क्वेश्चन में देखिए पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हम लोगों ने अभी बात की थी बच्चों कि हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। ये हमें उस दिन बताता है कि हम लोग अच्छी आदतें अपने अंदर विकसित करें। साथ ही आपने देखा होगा 31 मई को हम नो टोबैको डे सेलिब्रेट करते हैं। उसका मतलब है कि हम लोगों को जागरूक करते हैं कि वो टोबैको च्यूइंग बंद करें, टोबैको का किसी भी रूप में इस्तेमाल ना करें, चाहे वो खैनी के रूप में, चाहे जर्दे के रूप में, चाहे सिगरेट के रूप में, चाहे बीड़ी के रूप में, चाहे हुक्का के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक हुक्का के रूप में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिसर्च हो चुकी है जो ये प्रूव कर चुकी है कि जो लोग टोबैको लेते हैं तो टोबैको में एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस पाया गया है जिसे हम निकोटीन कहते हैं, और वो आगे चल के कई सारी परेशानियों को और कई केसेस में कैंसर भी देखा गया है, तो ऐसी परेशानियों को जन्म देता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हुआ वो च्यूइंग टोबैको है, और पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए 31 मई को नो टोबैको डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स आपने जाना होगा, अभी मंकी पॉक्स का बात चल रही है, मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स फैमिली का ही जुड़ा हुआ एक वायरस है। तो ये सब वायरल डिजीज हैं, चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, कोरोना, ये सब वायरल बीमारियां हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, च्यूइंग टोबैको। नेक्स्ट मैम, जी सर, केवल 4 मिनट का समय बाकी है हमारे पास इस सत्र में। विच ऑफ यस मैम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक यू इल इफ यू कम इन कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। सो आप समझ सकते हो कि जब आप इन्फेक्टेड पर्सन के पास हो, तो हमने आपको बताया था ना कि कुछ बीमारियां ऐसी होती जो इन्फेक्शियस होती हैं। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हमारे आसपास छींक देगा और वो अगर रूमाल नहीं मुंह पे रखेगा, तो हमें और आपको स्नीजिंग के द्वारा ये परेशानियां हो सकती हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा हमें और आपको परेशानियां हो सकती हैं। तो ये इसका आंसर भी है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन एड्स, एड्स कहलाता है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और हम लोगों ने इस पे बात भी की थी कि ये एक वायरस से होता है जिसे हम एचआईवी वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जब ये किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर देता है तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता, रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो एड्स फैलने के कुछ ढंग हैं, जैसे कि अगर एक कोई व्यक्ति एचआईवी इन्फेक्टेड है उसके साथ कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करता है तो उस व्यक्ति में एड्स अर्थात एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है और एड्स हो सकता है। अगर मदर इन्फेक्टेड है एचआईवी इन्फेक्शन से और उसमें वो अगर वो बच्चों को जन्म देती हैं तो उनके बच्चे को आ सकता है, लेकिन अगर मदर नहीं है इन्फेक्टेड और वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही तो नहीं हो सकता है उनको। ऐसे ही जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति का अगर हम कंटेमिनेटेड ब्लड चढ़ा दें किसी व्यक्ति को तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एड्स हो सकता है। और हग्स मतलब कहलाता है गले मिलना, जैसे एक क्लास में किसी व्यक्ति को है अगर एचआईवी इन्फेक्शन है तो उस क्लास में अगर बाकी बच्चे पढ़ते हैं तो दूसरे बच्चों को एड्स नहीं फैलेगा, तो आप हाथ मिलाएंगे या उनके साथ बैठेंगे उनके साथ खेलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो ये जागरूकता बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल स्टिग्मा बहुत इन्वॉल्व है। हम लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा किसी भी व्यक्ति के पास कोई अगर एचआईवी इन्फेक्टेड है तो हम लोग उसके पास बैठना पसंद नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं है, अब आपको समझ में आया होगा। और इसीलिए 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसी जागरूकता को कहने के लिए कि हाथ मिलाने से, क्लास में साथ में पढ़ने से, एक बस में सफर करने से, आसपास बैठने से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति से एचआईवी इन्फेक्शन नहीं फैलता। नेक्स्ट जी सर, अगले क्वेश्चन पे बहुत कम है सर, हम केवल एक सवाल और ले पाएंगे। यस मैम, सो मेकिंग एंटीवायरल ड्रग इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, क्यों? जैसे अभी भी हम लोगों ने देखा था कि कोरोना वायरस के द्वारा जो बीमारी हुई थी उसको लेके बहुत सारे शोध अभी भी चल रहे, दवाएं बना रहे, वैक्सीन बना रहे, तो कुछ ना कुछ देर लगती है। क्योंकि वायरस में क्या होता है बच्चों, इनमें फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म जो होती हैं, इनमें जी पूरी तरह से इनका अपना जेनेटिक मैकेनिज्म नहीं होती, तो वायरस होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है और साथ में वायरस समय समय पर अपना आकार बदलता रहता है, जिसकी वजह से अगर एक स्ट्रेन के अगेंस्ट दवा बनती है तो दूसरे स्ट्रेन तो चेंज कर लेता है। तो ये वायरस की अपनी जेनेटिक मैकेनिज्म नहीं होती है, वो होस्ट के ऊपर डिपेंड होता है, जिस होस्ट को इन्फेक्ट करता उसकी मैकेनिज्म उपयोग करके वही फिर वो अपने जरूरी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो नेक्स्ट जल्दी से मैं ये 2 क्वेश्चन और दिखा दूं मैम, और इसके बाद विच वन ऑफ दी फॉलोइंग कॉजेज कालाजार, तो कालाजार एक प्रकार की बीमारी वाली कंडीशन है और इसको कॉज करने वाला लिचमेनिया होता है और लिचमेनिया एक प्रकार का प्रोटोजोअन है। नेक्स्ट, ऐसे ही इफ यू हैव ओवरक्राउडेड, अगर आप किसी भीड़ वाले स्थान में जाएं तो ऐसी स्थिति पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सी बीमारी आपको तुरंत इन्फेक्ट कर सकती, तो कैंसर नहीं हो सकता, एड्स नहीं हो सकता, कॉलरा नहीं हो सकता, लेकिन एयरबॉर्न डिजीज हो सकती है। तो देखिए मैंने अगली स्लाइड में आपको दिखाया है कि अगर आप ओवर क्राउडेड रीजन में गए और वहां वेंटिलेशन कम है तो अगर आपने वहां पर खांसी आई आपको, छींका, तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट मुंह से निकलती हैं, वो फिर तो कुछ बड़ी ड्रॉपलेट पास में गिरती है और काफी दूरी तक जाती हैं। इसी कारण वर्तमान दौर में या जितनी भी ऐसी बीमारियां होती हैं इन्फेक्शियस, उस दौरान कहा जाता है कि आप एक दूरी बना के रखिए, फिजिकल डिस्टेंस। तो बस इतना बच्चों आज तक है, आपको मैं कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ, 1 मिनट में जल्दी से आप स्लाइड से दिखा दें जिससे बच्चों इनको नोट कर लीजिएगा। इस पे हमारी बात हो गई है, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। नेक्स्ट, और इसके बाद ये आप एक्यूट डिजीज के एग्जाम्पल, और ये भी आप कर लीजिएगा, हेपेटाइटिस हमारे लीवर को टारगेट करता है, और फिट्स और कंसियसनेस हमारे ब्रेन को कहते टारगेट, निमोनिया हमारे लंग्स को टारगेट कहते हैं, और फंगल डिजीज से जैसे बरसात के समय में दांत खाज खुजली अर्थात स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट, और ये जल्दी से आप क्वेश्चन देख लीजिए, सत्र को हम आगे नहीं बढ़ा सकते सर, हमारे पास समय बहुत कम है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस सत्र में बनने के लिए, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू एक्सटेंड माय थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स हु हैव कनेक्टेड विद अस फॉर दिस सेशन। So once again, thanking you, but you don't have to go anywhere because our upcoming session is of English for all the students.
So stay connected to NCRT and keep watching PM E Vidya channels. Namaskar.